हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कर्नर यूट्यूब चैनल रे आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत। आज दिन दीपहर रो बड़ आ मुख्य खबर देखिनबा। कोविड 19 देश रे 16738 नुवा संक्रमण चिन्हट, मृत्यु संख्या 138। गत 24 घंटा मध्ये 16738 जण कोविड 19 आक्रांत चिन्हट हेबा सह देश रे 138 जणकर मृत्यु घटिछि। केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार गुरुवार सकाळ 8टा सुधा समग्र देश रे 24 घंटा मध्ये 16738 कोरोना भाइरस जनित नूतन संक्रमण और 138 मृत्यु रेकर्ड करा जायछि। गत 24 घंटा रे चिन्हट होइतिबा नूतन आक्रांत को मिसाई देश रे समुदाय संक्रमित संख्या 1,10,46,914 रे पहुंचिछि। तो 24 घंटा रे होइतिबा 138 मृत्यु को मिसाई भारत रे समुदाय कोविड 19 जनित मृत्यु संख्या 1,56,705 रे पहुंचिछि। गत 24 घंटा रे कोविड 19 संक्रमण रो सुस्थ होइतिबा 11,719 जन आक्रांत को मिसाई संप्रति देश रे समुदाय सुस्थता संख्या हेउछि 1,07,38,501। एबे देश रे सक्रिय आक्रांतक संख्या 1,51,708 रे पहुंचिछि। परवर्तीटी हला मार्च 11 रे महाशिवरात्रि जागर रे हेबो त एकाम्र क्षेत्र रो नवरूप दर्शन। मार्च 11 रे महाशिवरात्रि भक्त तथा श्रद्धालु माने जागर व्रत करी प्रभु लिंगराज को महादीप दर्शन करिवे। एहा लक्ष लक्ष ओडियां को भावावेगर कथा। मार्च 11 रे महाशिवरात्रि भक्त तथा श्रद्धालु माने जागर व्रत करी प्रभु लिंगराज को महादीप दर्शन करिवे। एहा लक्ष लक्ष ओडियां को भावावेगर कथा। प्रतिवर्ष एही दिन को अपेक्षा करितांती जागर व्रतधारी, किंतु चलित वर्ष महामारी कोरोना सृष्टि करिछि आशंका। विधि अनुसार परंपरा सिना हेबो, किंतु जागर व्रतीमानंकु महादीप दर्शनर सुजोग मिलिबो कि नाही ताहाकु नै आशंका सृष्टि होईछि। पुणि कोरोना कड़ लेउटाइथिबारु कटकणा फेरिबा संभावना सृष्टि होईछि। तेणु महाशिवरात्रि श्रद्धालु माने ठाकुरंकु दर्शन करिपारिबे कि नाही ताहाकु नै सेवायत ओ श्रद्धालु माने द्वंद्वरे अछन्ति। तेणु सरकार ओडिया प्राणर भावावेगकु सम्मान जणै कटकणा कोहळ करी महादीप दर्शन करिबा सुजोग सृष्टि करन्तु बोली विभिन्न महलरु दाबी हेलाणि। परवर्तीटी तारे छन्दी होइगलाणि खुंट। टीपीसी, ओडीएल ओ बीएमसी राजस्व पाई चुप। विद्युत खुंटरे एबे विद्युत तार कम, फाइबर केबुल अधिक। विद्युत खुंट जेतिके क्षमतार विद्युत तार भार संभालिबा पई पोता होइतिला, एबे तार बहुगुणा फाइबर केबुल भार लदा होइछि। एलटी लाइन जाइथिबा विद्युत खुंट गुडिक एबे बुढियाणी जाल भळी छंदी होइगलाणी। विद्युत जोगाण संस्था गुडिक किछि अर्थ लोभरे एबे लोकंक जीवनकु विपद मुहाकु ठेली दैछन्ते। एबे राजधानीर प्रमुख रास्तारु आरंभ करी गळी कंदिरे सबुठि विद्युत खुंट गुडिक विपदपूर्ण अवस्थारे। नियम अनुजाई विद्युत खुंटरे केवल धार्य भारर विद्युत तार टणा हेबो, एहा बाद आउ कोनोसी तार टणा हेबोनी। किंतु पूर्वरु सेसु एबे टीपीसी ओडीएल राजस्व मोहरे खुंटकु ऑप्टिकल फाइबर केबल मय करि देलेणि। स्थिति एपरि हेलाणि जे खुंट निकटरे यातायात करिबाकु डर लागुछि। खुंट गुडिक केतेक स्थानरे नई जाइथिबा बेले सबु खुंटरे स्पार्किंग करिथिबारु मझिरे मझिरे निया झुला खसुछि। परवर्तीटी हेला बरगडरे आउ एक कोटिया। कोटिया प्रसंग नै ओडिसा उठुछि पडु, विधानसभा भी हुलस्तुल। आंध्र किभली भावे सबु उपाय लगाई ओडिसा रो गां को गिलीबा को बसीछि कोटिया हेला तार नग्न नमूना। बरगढ़ जिले रे मध्य एभली कोटिया रहीछि, हेले एने वर्तमान जाय प्रशासन गोड़ काढु नथिबारु स्थिति क्रमशः जटिल हेबाकु लागिछि। जिलार झारबंध ब्लक रो सीमा को लागिछि छत्तीसगढ़। सीमा को लागि रहीछि गुड़ाए ओडिसा राजस्व गां। कौरा भट्टा, जगदलपुर, गुचापाली, पुटका, डब्भा आदि अंचल रे सह सह सरकारी जमी जबरदस्त दखल करी उभय छत्तीसगढ़ एवं ओडिसा रो माफिया माने हाथ मिलाए बेआईन निर्माण चलाई छंती। एपरिकी मार्केट कॉम्प्लेक्स मध्य गढ़ी उठिलाणी, किंतु स्थानीय प्रशासन किंबा पुलिस एथिरे हाथ मारू नाही। मामला को अति हालुका भावे निया जाउची। कोटिया भली ए सबु ग्राम रे वोट हेउ नाही, किंतु छत्तीसगढ़ राजनेता माफिया को पूरा अख्तियार रहिछि ए सबु अंचल रे। परवर्तीटी हला डबल हेलमेट कटकणा परे सावधान, माती छंती हेलमेट चोर। गाड़ी रे हेलमेट रखी कुआडे जाउछंती कि ताहले टिके सावधान होई जांतु, न हेले काम सारी फेरिबा परे गाड़ी रे हुए तो आउ हेलमेट नथिबो। दुई चकिया गाड़ी चालक ओ सहयात्रींक पाई हेलमेट बाध्यतामूलक हेबा परे माति छंती चोर। जनगहळी पूर्ण स्थान रे रखा जायतिबा गाड़ी को टार्गेट करी लुटी नेउछंती हेलमेट। एमिति ढंगरे राजधानी रे एबे हेलमेट चोर सक्रिय होई उठिछंती। प्रतिदिन सहरर विभिन्न स्थान रु प्राय 15 रु 20 टी हेलमेट चोरी हेउछि। गत 1.5
मास भितरे 900 हेलमेट चोरी होइतिबा जणा पडिछि। हेलमेट चोरी संपर्क रे थाना को अभिजोग आसुनथिबा बेले समय अभाव रु लोक मध्य अभिजोग करुनांती, फलरे चोर अधिक सक्रिय होई उठिछंती। शहर रो विभिन्न स्थान रे एबे हेलमेट चोरों को संख्या बढिबारे लागिछि। डबल हेलमेट बाध्यतामूलक हेबा परे दुईटी हेलमेट हातरे धरि बुलिबा कष्टकर हेउतबारु लोक गाडी रे रखुचंती। केतेक ताला पकाउथिबा बेले आउ केतेक सेमिति रखि जाउचंती, फलरे लुटेरा हेलमेट लुटी फेरार हेबारे सफल हेउचंती। परवर्तीटी हला तेल टिकस किए कमाइबो केन्द्र ना राज्य। तैल दर वृद्धि प्रसंग को नै जनजीवन अस्तव्यस्त होइगलेनि। साधारण रे असंतोष बहुगुणित हेउथिबा बेले एबे केन्द्र राज्य मानक मध्ये छक्का पंचा आरंभ होईछि। तैल दर उपरे टिकस कम करिबा लागि रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास मंगलवार आह्वान दे राज्य मानक टिकस ह्रास करिबा लागि परामर्श देथिले। परखरे जणाइथिले जे तेल दाम हठात केवल कमि पारिबो जदि राज्य टिकस कमाइबे। एपटे शक्तिकांतक एभळी मंतव्य परे तैल प्रसंग को नै विवाद बढ़िछि। मंगलवार विधानसभा रे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी कहिथिले जे अधिक टिकस केन्द्र आदाय करुछि। आज राज्य सरकार आउ पादे आगो को जाई हिसाब देइछन्ति जे देशर प्रमुख 10टी राज्य मध्यरे ओडिसा हेउछि एकमात्र राज्य जहाँ पेट्रोल रु सबुठु कम टिकस संग्रह करुछन्ति। अर्थात राज्य सरकार टिकस कमेबार प्रश्न उठुनाय, एभळी एक संकेत मिलुछि। परवर्तीटी हला रेल यात्री को सरकारक झटका। यात्री भड़ा बढ़ाइला रेल विभाग, जानंतु केते पड़िबो आपणक पॉकेट उपरे प्रभाव। भारतीय रेल विभाग यात्री को पय रेल भड़ा वृद्धि करिछन्ति। रेल विभाग रो सूचना मुताबक अल्प दूर जाउथबा यात्री को भड़ा वृद्धि करा जायछि। भड़ा वृद्धि रो कारण दर्शाइबा को जाय रेल विभाग कहिछि कि कोरोना महामारी रक्षा पाइबा पय यात्री भड़ा वृद्धि करा जायछि, जहा द्वारा अधिक लोक रेल रे चढ़िबे नाही। रेल विभाग द्वारा वृद्धि करा जायथिबा भड़ा 30-40 किलोमीटर जाउथबा यात्री को उपरे लागू हेबो। भारतीय रेल विभाग रो सूचना मुताबक एही वर्धित भड़ा केवल 3% रेल उपरे लागू हेबो। रेल विभाग आहुरी कहिछि कि कोरोना प्रकोप एबे भी लागी रहिछि, एहा स एबे किछि राज्य रे पूरी कोरोना स्थिति बिगड़िबारे लागिछि। फलरे अधिक लोक जेभले ट्रेन न चढ़ंती ताहाकु दृष्टि रखी एही दर वृद्धि करा जायछि, फलरे किछि परिमाणर कोरोना संक्रमण को रोका जाय पारिबो। परवर्तीटी हला 5 राज्य रो विधानसभा निर्वाचन नै एक्शन मोड रे बीजेपी। आज दक्षिण रे मोदी, उत्तर पूर्व रे शाह ओ पश्चिम रे रैली करिवे नड्डा। भारतीय जनता पार्टी रो 3 वरिष्ठ नेता आज विधानसभा निर्वाचन हेबा कुतिबा राज्य रे रैली करिवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु ओ पुडुचेरी पहुंचिबे। गृहमंत्री अमित शाह आसाम रे रैली करिवे। सेहिबळी दलर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिमबंग गस्त करितिबा सूचना मिलिछि। प्रधानमंत्री मोदी 14 दिन मध्यरे द्वितीय थर पय दक्षिण भारत गस्तरे जायछंती। आज पुडुचेरी ओ तमिलनाडु रे प्रधानमंत्री हजार हजार कोटी टंका प्रकल्पर शिलान्यास करिवे, जहा मध्यरे रहिछि जातीय राजपथ 45 रो 4 लेन विशिष्ट रास्ता, करेकल ठारे मेडिकल कॉलेज, सागरमाला योजना रे पोर्ट समेत अनेक योजना रा आधारशिला रखिबे प्रधानमंत्री। अपराह्न 4:00 रे तमिलनाडु रो नावेली न्यू थर्मल पावर प्लांट को देशवासी को उद्देश्य रे समर्पित करिवार कार्यक्रम रहिछि। परवर्तीटी हला सरकार को चासी नेता राकेश टिकायतक चेतावनी। आइन प्रत्याहार न हेले संसद परिसर रे चासी करिवे हळ क्रांति। केन्द्र सरकार को 3 कृषि आइन प्रत्याहार दाबी रे दिल्ली रे जारी रहिछि चासी आंदोलन। एहारी भितरे आंदोलन को नुआ दिग देबाकु घोषणा करिछन्ति चासी नेता राकेश टिकायत। एबे केन्द्र सरकार नुआ कृषि आइन प्रत्याहार न कले आरंभ हेबो हळ क्रांति। चासी संसद परिसर को जाय ट्रैक्टर चलाइबे। एथर 40 लाख ट्रैक्टर एथिरे शामिल हेबो। संसद परिसर रे चासी ट्रैक्टर रे हळ करी कृषि रिसर्च सेंटर करी फसल उपजाइबे। एबे एही हळ क्रांति केबे करिवे किछि स्पष्ट करि नहांती राकेश टिकायत। एहा चलित वर्ष होई पारे, आगामी वर्ष होई पारे, 5 वर्ष परे होई पारे, किंतु नुआ कृषि आइन प्रत्याहार दाबी रे एही हळ क्रांति होई कि रही बोली कहिछंती चासी नेता। चासी सबुबेले आलोचना पई प्रस्तुत अछंती, किंतु सरकार एति पई बाटो करिबा दरकार, किंतु बिना कोनोसी फळाफळ रे आमे आंदोलन रु उठिबु नाही बोली रोकठोक कहिछंती राकेश टिकायत। सेपटे केन्द्र कृषि मंत्री कहिछंती मोदी सरकार सबुबेले चासी को हित पई अछंती। परवर्तीटी हला मार्च पहिला रु वयस्क व्यक्ति को मिलिबो मागणा टीका। टंका देई घरै केन्द्र रे नै हेबो टीका। मार्च पहिला रु देशर वरिष्ठ नागरिक एवं गुरुतर रोग रे पीड़ित 45 वर्ष रु अधिक वयस
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ମିଳିବ। ଏହି ସୁବିଧା ଉଭୟ ସରକାରୀ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ଟିକା। ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଟିକାକରଣ ପାଇଁ 30,000 ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର, 10,000 ସରକାରୀ ଓ 20,000 ଘରୋଇ କେନ୍ଦ୍ର। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଗଣା ମିଳିବ ଟିକା, ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୁଳ୍କ। 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିର ହେବ। ହିତାଧିକାରୀ କେଉଁ ଟିକା ନେବେ ତାହା ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ।